हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। आप लोग जुड़े हुए हैं जीएस की क्लास में, तो बेहतरीन तरीके से हम लोग लाइव टेस्ट यहां पर कर रहे हैं। तो फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। और सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई जीएस जीके बाय आलोक सर, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप सारे लोग जुड़ सकते हैं भैया। यहाँ पर तेज़ी से आप सभी विद्यार्थी जुड़िएगा, आपको पीडीएफ भी मिलेगा और भी अन्य सारी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ यहाँ पर आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो एक बार तेज़ी से जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग बच्चे एक बार सेशन को भैया शेयर कीजिए तेज़ी से, फटाफट से। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी के सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को भैया शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। अनअकैडमी पर नहीं जुड़े हुए हैं तो अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए आप लोग यहां पर डाउट को इमेज के माध्यम से पूछ सकते हैं और इमेज के माध्यम से आप लोग भेज सकते हैं, इंस्टेंट इसका आंसर आप लोगों को मिलने वाला है। दूसरी चीज़, ड्यूरिंग द सेशन ऑन अनअकैडमी लर्नर ऐप आप अपने फेवरेट एजुकेटर जिससे पढ़ रहे हैं उससे बातचीत करके सीधे आप बातचीत करेंगे और सीधे बात करके वहाँ पर डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन ये आपका नया फीचर शामिल किया गया है। एसएससी कॉम्बैट एवरी संडे को 12 बजे होता है, जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, समय होता है 50 मिनट, शानदार जानदार प्राइज़ जीतने का मौका होता है। लेकिन वही विद्यार्थी भाग लेते हैं जो पहले से इनरोलमेंट करते हैं, और फ्री में इनरोलमेंट करने के लिए ABSIR10 इनवाइट कोड का प्रयोग कीजिए और आज ही अभी तुरंत आप लोग क्लास के बाद में इनरोलमेंट कीजिए और सभी लोग जुड़िए भैया। 12 बजे हर एक संडे को आपको जुड़ना है एक शानदार जानदार प्राइज वाले टेस्ट देने के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, किसी भी कोर्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पर, किसी भी कोर्स का, तो आपको कोड एक ही लगाना है ABSIR10। इसके माध्यम से आप लोगों को बच्चे डिस्काउंट निश्चित रूप से मिलने वाला है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला सवाल है, लोना इज रिलेटेड टू विच गेम, जो लोना शब्द है ये आपका किस खेल से संबंधित है? खो खो, कबड्डी, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, क्या आंसर होगा भाई? फटाफट आंसर कीजिए बच्चे। और जितने लोग जुड़े हुए हो यार, एक बार सेशन को भैया शेयर जरूर किया करो। फटाफट से जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार शेयर सारे लोग करोगे भाई। ठीक है बच्चे, देखो यार बड़ा बढ़िया सा सवाल है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए बिजली दे सकते हो, जो लोना शब्द है ये आपका बच्चे कबड्डी से रिलेटेड है। कबड्डी में खिलाड़ी कितने होते हैं? 7। इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, वो नाम क्या है भाई? चेड गुडू। इसको हम लोग कबड्डी को चेड गुडू के नाम से भी जानते हैं। खो खो में कितने प्लेयर्स होते हैं? 9 होते हैं। और किस में 9 होते हैं? बेसबॉल में 9 होते हैं। लॉन टेनिस में 1 या 2 होंगे। बैडमिंटन में भी भाई 1 या 2 होंगे। अब बैडमिंटन को हम लोग एक और अन्य नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पुनाई। ठीक है भाई, याद रहेगा? हाँ या ना एक बार कमेंट सेक्शन में सारे विद्यार्थी बता देंगे। बच्चे यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं भाई। और अगला सवाल जो है वो आपका इस प्रकार से रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ये जो सबसे लंबी तटरेखा है ये बच्चे किसकी है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, फटाफट आंसर कीजिए भाई। राकेश बाबू बोलिए, क्या नहीं समझ में आया? कहाँ पर क्लोज हो गए हैं? लखीमपुर वाले कांड के कारण कुछ जगह पर क्लोज हुए थे कुछ समय के लिए, वो भी नेट बंद कर दिया गया था। बाकी गूगल थोड़े बंद कर देगा कोई, है ना? फेसबुक थोड़े बंद हो जाएगा कोई, कहीं भी कोई समस्या हो। देखिए, सबसे लंबी जो तटरेखा है वो सबसे लंबी तटरेखा आपकी तमिलनाडु की है, लेकिन वैसे तो गुजरात की है। गुजरात जब विकल्प में नहीं होगा तो दूसरे नंबर पर आप तमिलनाडु लगाएंगे। विश्व में अगर सबसे लंबी कोस्ट लाइन पूछी जाएगी तो भैया विश्व में सबसे लंबी तटरेखा आपकी कनाडा की है। कहाँ की है? कनाडा की है। अगला सवाल है, ऑपरेशन ट्राइडेंट ये आपका किससे संबंधित था? ऑपरेशन ट्राइडेंट भैया किससे रिलेटेड है? एक बार तेजी से आप लोग आंसर करोगे ऑपरेशन ट्राइडेंट।
देखो भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। ऑपरेशन ट्राइडेंट की बात करेंगे तो ये भारत और पाकिस्तान वार से रिलेटेड माना जाता है। फिल्म फूलन देवी थी, उस फूलन देवी फिल्म में भाई डायरेक्टर कौन थे उसकी, बैंडेड क्वीन जिसको हम लोग बोलते हैं, बैंडेड क्वीन फूलन देवी जो फिल्म बनी थी उसके भाई कौन डायरेक्टर थे, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर कीजिए भाई सारे लोग। बिल्कुल भाई, राकेश रंजन, बोलिए यूट्यूबर फैन। बिल्कुल बिल्कुल, सोनी नाच, बहुत बढ़िया। प्रकाश गोधरा, इसका सही आंसर हो जाएगा भैया शेखर कपूर थे। ठीक है, अगला सवाल है FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ये आपका FRP जो होता है वो किस फसल के लिए होता है, जैसे हम लोग MSP देखते हैं ऐसे ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऐसे ही फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है। ये आपका किस फसल के लिए प्रयोग किया जाता है, और अभी किसान आंदोलन में बड़ा ये चर्चा का विषय भी बना था, और कई सारे लोगों ने कहा कि भाई ऐसा कैसे है यार, ऐसा कैसे है कहा था ना, तो ये उसी को लेकर के है। ये बेसिकली गन्ने की फसल का जो निर्धारण होता है वो FRP होता है, MSP नहीं होता है। गन्ना उत्पादन में स्थान भाई किसका है, UP का है। चावल में वेस्ट बंगाल हो जाता है, गेहूँ में भी उत्तर प्रदेश हो जाता है। भारत ने किन देशों के साथ लखनऊ घोषणा पत्र स्वीकार किया था, क्या आंसर हो जाएगा भाई, फटाफट आंसर कीजिए बच्चे। लखनऊ घोषणा पत्र जो है वो किसके साथ स्वीकार किया गया था, क्या सही आंसर होगा। जितने लोग जुड़े हुए हैं भाई एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देंगे। और घोषणा पत्र जो लखनऊ घोषणा पत्र स्वीकार किया था भारत ने, वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कितने कंट्रीज़ हैं, टोटल 54 कंट्रीज़ हैं। बाल्टिक कंट्रीज़ पूछे जाएँ कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे एल एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ पूछे जाएँ तो आप क्या कहेंगे, NSDI, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड। तो ये भैया याद रखो, बाल्टिक कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। मधुमलाई नेशनल पार्क सिचुएटेड इन विच स्टेट, ये जो मधुमलाई नेशनल पार्क है ये आपका किस राज्य में स्थित है, प्रश्न का सही उत्तर बच्चे क्या होगा, एक बार तेजी से आंसर करोगे आप सब। देखो भैया, मधुमलाई नेशनल पार्क की जब भी हम लोग बातचीत करते हैं, मधुमलाई नेशनल पार्क, ये जो मधुमलाई नेशनल पार्क है ये आपका भैया तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। काना किसली, पेंच, संजय, ये सब मध्य प्रदेश में है। काजीरंगा, सोनाई रूपा, मानस, गर्म पानी, ये सब कहाँ, असम में है। और गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है भाई, अगला सवाल है बीदर एयरपोर्ट सिचुएटेड इन विच स्टेट, जो बीदर हवाई अड्डा है ये किस राज्य में स्थित है, करेक्ट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या केरला। What will be the correct answer? सही उत्तर बच्चे प्रश्न का क्या होगा, एक बार तेजी से आप लोग आंसर करोगे भैया फास्ट। देखो यार बड़ा बढ़िया सा सवाल है और इसको आप लोग बहुत बढ़िया से कर लोगे, बहुत बढ़िया से आप लोग कर लोगे भाई। ठीक है बिल्कुल, हाँ क्यों हुआ व्हाट्सएप बंद, बिल्कुल भाई व्हाट्सएप बंद हुआ है तो इस वजह से आप लोग नहीं कर पा रहे हैं शेयर, चलिए कोई बात नहीं। बीदर हवाई अड्डा जो है, जो आपका बीदर हवाई अड्डा है वो बीदर हवाई अड्डा आपका किस राज्य में है, ये आपका हो जाएगा भाई कर्नाटक राज्य में। ठीक है याद रहेगा। अगला सवाल, भारत का सिराज के नाम से कौन जाना जाता था, जो भारत का सिराज है उसके नाम से बच्चे कौन जाना जाता था, एक बार तेजी से आंसर कीजिएगा फास्ट। देखो भाई बहुत बढ़िया है, भारत के सिराज के नाम से अगर कभी पूछा जाएगा तो हम लोग जानते हैं यार जौनपुर को भारत का सिराज कहते हैं। किसको कहते हैं भाई, जौनपुर को हम लोग भारत का सिराज के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई याद रहेगा। अजमेर से एक नदी निकलती है, यहाँ पास से अजमेर के पास से लूनी, ख्वाजा साहब की दरगाह है। आगरा की स्थापना 1504 में हुई सिकंदर लोधी ने की। ठीक है, मथुरा को मधुपुर का शहर भी कहा जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू इन विच जेल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने जो लिखा था वो भैया किस जेल में लिखा था, एक बार तेजी से आंसर कीजिएगा फास्ट। और जितने लोग जुड़े हुए हैं एक बार भैया सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, फटाफट से आंसर करिएगा। क्या आंसर होगा भाई इसका,
बोलिए बच्चे, देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर जेल में लिखी है, और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया कहाँ पर लिखी है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखी गई है। यरवदा जेल कहाँ है भाई, पुणे में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा युग्म जो है वो सही तरीके से मिलान नहीं है, एपिकल्चर शहद की मक्खी, सिल्क सेरिकल्चर सिल्क वर्म, पिसीकल्चर लाख का कीड़ा, हार्टिकल्चर बागवानी, क्या सही होगा भैया इसमें से, फटाफट आंसर करोगे प्यारे विद्यार्थियों, सही उत्तर क्या होगा। देखो भाई बहुत बढ़िया सवाल है, महाकाल का लाडला भी इसमें पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया आईडी बनाया भाई, महाकाल का लाडला। चलिए एपिकल्चर मधुमक्खी पालन हो गया, सेरिकल्चर रेशम हो गया, पिसीकल्चर भैया लाख का कीड़ा थोड़े होता है, मछली होता है पिसीकल्चर, तो ये तो आपका मिसमैच है, ठीक है। हार्टिकल्चर बागवानी होता है और विटीकल्चर अंगूर होता है। लोना वाला हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है भाई, कबड्डी। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, बोलिए भाई पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है। देखो चार वेद हैं, ठीक है, सात आरण्यक हैं, छह वेदांग हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं। चार वेद, सात आरण्यक, छह वेदांग, 18 पुराण, 108 उपनिषद, तो पुराण कितने हो गए भैया, और 10 क्या हैं ये जो लिखा हुआ है, ये ऋग्वेद में 10 मंडल हैं भाई। बोलिए प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल भाई आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया द स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, कहां पर भैया न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो है, किस राज्य में सबसे अधिक, अगर जानना हो तो भैया बिहार का है, वहां 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में रहने वाले लोग सबसे अधिक हैं बिहार में, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में केवल 17, और बिहार में लगभग मेरे ख्याल से शायद 1106 है आपका, तो सोचिए 1106 कितने लोग हो गए, और 17 अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1966 में नहीं 1971 में होती है, 66 में हरियाणा की होती है। सिक्किम 36वें संविधान संशोधन से पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दिया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है भाई, फटाफट से आंसर कर दोगे बच्चे, कौन सा इसमें से सही है, औरंगाबाद आंध्र प्रदेश, पालनपुर गुजरात, हुबली महाराष्ट्र, गुंटूर उड़ीसा, सही है इसमें से केवल, बाकी सब गलत हैं, मिसमैच हैं, केवल एक मैच जो है वो कौन सा होगा भाई। देखो भैया औरंगाबाद ये महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश नहीं है, पालनपुर गुजरात में है, बिल्कुल सही है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो दिल्ली से लेकर के पालनपुर तक है, हुबली कर्नाटक है, गुंटूर आंध्र प्रदेश होता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, दमदम बुखार जो है इसको किस और अन्य नाम से जानते हैं, या दमदम के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, फटाफट आंसर करोगे भाई, ये कह रहे हैं आर्यन मैं आपकी क्लास हॉस्पिटल में ले रहा हूँ भैया, क्या हो गया भाई आर्यन, आर्यन बाबू क्या समस्या हो गई, बोलिए भैया आर्यन, रेस्ट करिए, इतनी कोई आवश्यकता नहीं है भैया, अगर तबीयत आपकी ख़राब है तो रेस्ट करें। दमदम बुखार हम लोग कालाजार को कहते हैं, अब कालाजार जो है आपका ये प्रोटोजोइक बॉर्न डिजीज़ है, ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, और वाहक हम लोग जानते हैं क्या होता है, लीसमैनिया डोनावानी, ठीक है। डेंगू को हम लोग ब्रेकबोन फीवर बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार, मलेरिया भी प्रोटोजोआ से होता है, ये भी आपको याद रखना है। कार्टागो ये किस कंट्री की कैपिटल है, एक बार तेजी से आंसर करोगे भाई, कार्टागो क्या सही आंसर होगा भाई, दमदम उसका नाम है, कार्टागो किस कंट्री की कैपिटल है, क्या कोलंबिया, बेनिन, एस्टोनिया या कोस्टारिका,
देखो भैया, बहुत बढ़िया सवाल है। अगर कार्टागो पूछा जाएगा तो कार्टागो आपका एक कोस्टा रिका की कैपिटल हो जाती है। किसकी हो जाती है? कोस्टा रिका की। कोलंबिया की राजधानी जो है वो बगोटा है, ठीक है। एस्टोनिया की राजधानी जरूर याद रख लेना है, तल्लिन है। अगला सवाल है, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान। भारत के कितने राज्य अपनी बाउंड्री या अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ में स्पर्श होती है? एक बार आंसर कीजिएगा। सारे लोग भैया शेयर और लाइक जरूर कर देंगे, जितने लोग जुड़े हैं लाइक कर दीजिए। अगर शेयर व्हाट्सएप बंद है तो भैया बिल्कुल नहीं कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। बाकी लाइक जरूर कर दीजिएगा। भारत के राज्य पाकिस्तान से अगर पूछे जाएंगे तो एक कोड है बच्चे, पंगुराज। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, याद रहेगा भैया ये हो गया आपका 4 से। 5 से अगर पूछा जाए सीमा, तो देखिए नेपाल की सीमा 5 राज्यों से स्पर्श करती है, ठीक है। चाइना की सीमा 5 राज्यों से स्पर्श करती है, और क्या हो जाता है, कौन सा हो जाता है भाई बताइए। देखो चाइना हो गया, नेपाल हो गया, जिनकी सीमा 5 राज्यों से स्पर्श करती है, भूटान की 4 से, ठीक है। म्यांमार पूछा जाएगा तो म्यांमार क्या लिखते हो, अरुणा मामी, तो ये भी भैया 4 ही तो हुए यार, ये भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश पूछा जाएगा तो बांग्लादेश की सीमा भी 5 राज्यों से स्पर्श स्थिति करती है। तो नेपाल, चाइना और भूटान 3 ऐसे हैं देश जिनकी सीमा भारत के 5 राज्यों से स्पर्श करती है। 5 साल से ये बार बार मिलने पर कॉफी ना, अच्छा बहुत बढ़िया। प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग देहलवी के नाम से जाना जाता है, फटाफट आंसर करोगे भाई, फास्ट, एक से एक है भाई, आंसर जरूर करते रहिए। फटाफट आंसर कीजिए भाई। देखो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया ऐबक ने, ठीक है। चिराग देहलवी हम लोग शेख नसरुद्दीन को कहते हैं, और इनको कहते हैं निजामुद्दीन अलिया को महबूब इलाही। महबूब इलाही जो हैं ये भैया हम लोग निजामुद्दीन औलिया को कहते हैं, याद रहेगा। और ये हैं ख्वाजा साहब, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाई दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 14 मार्च, 12 मार्च, 23 मार्च, फटाफट आंसर कीजिए भाई, बोलिए बच्चे। देखो 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और पाई दिवस भैया 14 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? सारे लोग जानते हो इस क्वेश्चन को, बढ़िया से करेक्ट करके आंसर बताइए भाई, एकदम गलत गलत किसी का नहीं होना चाहिए। देखो भैया हाइड्रोजन के समस्थानिक हम लोग जानते हैं 3 हैं, कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, 1H2, 1H1 एंड 1H3। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस ईयर में हुई थी? आंसर कीजिए। बोलिए भाई फास्ट, तेजी से आंसर कीजिए भाई। देखो यार बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 7th अप्रैल 1948,
इसीलिए तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है भाई। क्लियर है? 1995 में हम लोग जानते हैं WTO की स्थापना हुई, जो पहले GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से जाना जाता था। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ, रॉलेट एक्ट 1919 को हुआ, और खिलाफत मूवमेंट भी भैया 1919 में ही हुआ था। हु गॉट द नोबेल प्राइज़? इनमें से जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से भैया नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, एक बार तेजी से आंसर कर दोगे आप लोग? फास्ट देखो यार, गोपाल कृष्ण गोखले को कोई पुरस्कार नहीं मिला, जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न 1955 में, रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल तो मिला लेकिन भारत रत्न नहीं 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य क्षेत्र में। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। शक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या है? वाट, किलोवाट, हॉर्स पावर या सौ शक्ति या मेगावाट? बोलिए भाई सही आंसर क्या होगा बच्चे? देखो भैया, शक्ति की जो सबसे छोटी इकाई है वो सबसे छोटी इकाई वाट है। एक अश्व शक्ति जो है वो 746 वाट के बराबर होती है। कितने वाट के बराबर होती है? 746। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। गाफा, लेजिन और तमाशा, ये नृत्य कहाँ के हैं तीनों? गाफा, लेजिन और तमाशा ये नृत्य किस राज्य से रिलेटेड हैं? क्या सही उत्तर होगा भाई? देखो भैया, गाफा, लेजिन और तमाशा ये जो नृत्य हैं ये आपके महाराष्ट्र के हैं। गुजरात का एक बड़ा प्रसिद्ध है गरबा। हरियाणा के याद रखिएगा लुड्डी है और एक खेरिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा नृत्य यहां पर मेघालय का है? जो पेयर में दिए गए हैं कौन कौन से मेघालय के हैं, एक बार तेजी से आंसर कीजिएगा भैया। फास्ट बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पर मेघालय का नृत्य हो जाता है लाहो और वंगला। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य शास्त्र के सिद्धांत पर आधारित है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित कौन सा नृत्य है, एक बार तेजी से आंसर कीजिएगा। नाट्य शास्त्र पर आधारित है भैया दोनों, भरतनाट्यम भी है और ओडिसी भी है, ये भी नाट्य शास्त्र पर, ये भी नाट्य शास्त्र। वर्ल्ड मिल्क डे एंड इंटरनेशनल ओल्ड एज डे, ये दोनों कितनी तारीख को मनाए जाते हैं? फटाफट आंसर कीजिए। फटाफट आंसर कीजिए भैया। कुछ लोग सोचते हैं एकदम बहुत तेज भागो यार। अरे भाई बहुत तेजी में कुछ थोड़े होने वाला, क्वेश्चन को समझो देखो कैसे। वर्ल्ड मिल्क डे 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल ओल्ड एज डे जो है वो आपका 1 जून को जो है वो जो इंटरनेशनल ओल्ड एज डे है जो है वो 1 अक्टूबर को है, और इंटरनेशनल मिल्क डे जो है वो आपका 1 जून को है। क्लियर है? ठीक है, ये दोनों याद रखना है। 23 दिसंबर को किसान दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस मनाया जाता है। ठीक है भैया, तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस अगर कभी पूछा जाएगा तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर बताना है। किसने सुझाव दिया कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में होता है? ऐसा सुझाव भैया किसने दिया था, बोलिएगा भाई? परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में होता है, ये रदरफोर्ड ने सुझाव दिया।
न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो सर जेम्स चैडविक। ठीक है, अगला सवाल, तुलसी लेक सिचुएटेड इन विच सिटी? तुलसी झील भैया किस शहर में है? एक बार तेजी से आप लोग आंसर कर दोगे बच्चे फास्ट। देखो यार, तुलसी झील अगर कभी भी पूछा जाएगा तो मुंबई में। व्हेन डिड औरंगजेब इम्पोज जजिया टैक्स? औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया? देखो ये तो जो पहली वाली डेट दी गई है 1564 में, ये अकबर ने हटाया है और औरंगजेब ने फिर से शुरू कर दिया है 1679 में। 1563 में अकबर ने तीर्थयात्रा हटाया। देखो जजिया के बारे में पूरा जान लो यार। 711-12 में सिंध में मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, कुछ लोगों को करमुक्त रखा, महिलाओं को, बच्चों को, अपाहिजों को, भिखारियों को, ब्राह्मणों को। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया। अकबर आया, अकबर ने 1564 में समाप्त किया, औरंगजेब ने फिर से शुरू कर दिया। फिर जहांदार शाह का समय आता है, जहांदार शाह हटाता है, फिर शुरू हो जाता है। अंतिम रूप से 1719-20 में मोहम्मद शाह रंगीला जजिया कर को समाप्त करता है अंतिम रूप से। तो जजिया के बारे में पूरा शुरुआत से लेकर के अंत तक आप लोग जान गए होंगे, क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र के जनक कौन है? सुभाष पालेकर या जेम्स विल्सन, ऑगस्ट कॉम्टे या वुड्रो विल्सन? कौन है भैया? सोशियोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? सुभाष पालेकर ये जीरो बजट एग्रीकल्चर के जनक हैं और अगस्त कॉम्टे को सोशियोलॉजी का पिता कहते हैं, वुड्रो विल्सन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पिता, और ये लीग ऑफ नेशंस के फाउंडर भी थे। मीमकुट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ये जो मीमकुट त्यौहार है ये भैया कहाँ पर मनाया जाता है, किस राज्य में? फटाफट आंसर कीजिए भाई, क्या आंसर होगा बच्चे? देखो भाई, मीमकुट अगर पूछा जाएगा तो ये आपका मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीमकुट आपका मिजोरम हो जाएगा। केंद्रीय सेवाएं निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? देखो हम लोग जब पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 312 तो कहते हैं राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विस का गठन करती है। ऑल इंडिया सर्विस तीन ही मानी गई है, एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरी इंडियन पुलिस सर्विस, तीसरी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, तीन सर्विस मानी गई है। अब इसमें जो अखिल भारतीय है, इनमें यानी कि कैडर अलर्ट हो गया, यूपी एमपी उड़ीसा कुछ भी वही नौकरी करोगे, उसी राज्य में आपके ट्रांसफ़र होंगे। सेंट्रल सर्विस में क्या होता है कि आज एक राज्य में हो फिर दूसरे एकदम से भारत के एक दूसरे कोने में पहुँच गए, तो ऐसा सेंट्रल सर्विस में होता है, कैडर वाला ऑल इंडिया सर्विस होता है। तो भारतीय विदेश सेवा सेंट्रल सर्विस है, राजस्व सेवा सेंट्रल सर्विस है, डाक सेवा सेंट्रल सर्विस है, लेकिन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है ये आपकी ऑल इंडिया सर्विस है, याद रहेगा? हाँ या ना एक बार बता दीजिए भैया, बोलिए प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर है सारे लोगों को? ठीक है, चलिए तो यहीं तक रखते हैं हम लोग, यहीं से कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। और जितने लोग भी भैया जुड़े हुए हो आप सारे लोग, देखिए बहुत सारे बैचेज न्यू शुरू हो रहे हैं 6 अक्टूबर से भी, तो आप सारे लोग जो भी लोग सब्सक्रिप्शन करने के इच्छुक हो अनअकैडमी पर, कोर्स लेने के इच्छुक हैं जो लोग, वो सभी लोग भाई ABSIR10 कोड जरूर लगाइएगा, मेरा रेफरल कोड है, इससे डिस्काउंट आप सभी लोगों को मिलेगा। ठीक है, और भाई ये डाउट वाले सेशन का जो डाउट पूछने का है, एक नया आपका फीचर है, इस पर आप लोग जरूर अनअकैडमी लर्नर ऐप पर पूछ सकते हो। और मेरे टेलीग्राम पर सारे लोग जुड़ जाओ, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है GSGK/आलोक सर, तो आप सारे लोग यहाँ पर जुड़ सकते हो। रेज हैंड का प्रयोग जरूर कीजिए अपने फेवरेट एजुकेटर से बातचीत करने के लिए। SSC कॉम्बैट में इनरोलमेंट सारे लोग किया करो भाई, फ्री में इनरोलमेंट होता है, अगर आप ABSIR10 कोड का प्रयोग करते हैं तो फ्री में इनरोलमेंट होगा, शानदार जानदार प्राइज़ भी जीत सकते हो। ठीक है बच्चे, तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।